पाकिस्तान ने एक बार फिर जम्मू कश्मीर के पुंछ और नौशहरा में LOC पर सीज फायर का उल्लंघन किया है। पाकिस्तान की ओर से हो रही गोलीबारी में राजस्थान के नागौर जिले के एक जांबाज सपूत हरिराम भाकर शहीद हो गए। फोर्थ ग्रेनेडियर बटालियन में कार्यरत 20 वर्षीय हरिराम भाकर जम्मू कश्मीर के पुंछ सेक्टर में सीमा पर पाकिस्तानी गोलीबारी में शहीद हुए हैं। सोमवार को शहीद हरिराम भाकर के पैतृक गांव जूसरी में सैन्य सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। शहीद हरिराम ने अदम्य साहस का परिचय देते हुए वीर गति को प्राप्त किया। शहीद हरिराम ने पाकिस्तानी गोलीबारी का जवाब देते हुए 40 से ज्यादा ग्रेनेड दागे, जिससे पाकिस्तान के बंकर नष्ट करने के साथ साथ 4 सैनिकों को भी जान से हाथ धोना पड़ा। इसी दौरान पाकिस्तान की तरफ से दागे गए गोले से हरिराम पर हमला हुआ और जिसमें वो बुरी तरह घायल हो गए। इसके बावजूद साहस का परिचय देते हुए पाकिस्तानी गोलीबारी का उन्होंने मुंह तोड़ जवाब दिया। वीर सपूत की शहादत की सूचना के बाद जूसरी गांव में माहौल गमगीन हो गया। शहीद हरिराम भाकर 2016 में सेना में भर्ती हुए थे। शहीद भाकर फोर्थ ग्रेनेडियर में तैनात थे। बताया जा रहा है कि पाकिस्तान ने शनिवार को सीज फायर का उल्लंघन किया। इसी दौरान पाकिस्तान की ओर से गोलीबारी में हरिराम भाकर शहीद हो गए, जिसकी जवाबी कार्रवाई में भारतीय सेना ने पाकिस्तान की एक चौकी उड़ा दी। आपको बता दें कि शहीद हरिराम 20 वर्षीय नौजवान है, जो हाल ही में 3 साल पहले भारतीय सेना में भर्ती हुआ था, जिसका एक और भाई जो जुड़वा है वह भी भारतीय सेना में कार्यरत है, जो जबलपुर में प्रशिक्षण ले रहा है। आपको बता दें कि शहीद हरिराम भाकर की अभी शादी नहीं हुई है। एक माह पूर्व वे अपने गांव आए थे, जहां उनकी बहन की शादी थी। दूसरी गांव में जैसे ही हरिराम के शहीद होने की सूचना मिली, गांव में सन्नाटा छा गया। शहीद हरि भाकर का जुड़वा भाई हरेंद्र भाकर भी भारतीय सेना में है। बीती 8 फरवरी को दोनों भाई छोटी बहन की शादी में छुट्टी पर घर आए थे। 3 भाई बहन में शहीद हरिराम सबसे बड़े थे। शहीद हरिराम के पिता एक शिक्षक हैं। उन्होंने कहा कि उनके 2 बेटे हैं, दोनों ही भारतीय सेना में हैं। उन्होंने कहा कि अगर उनके और भी बेटे होते तो उन्हें भी भारतीय सेना में देश की सेवा के लिए भेज देते। सेना की तरफ से मैसेज आया था अभी, और तभी मेरे को पता चला गवर्नमेंट चाहिए तो मुझे भी आर्मी में ले जा सकती है और मैं भी देश के लिए शहीद हो सकता हूँ। बड़ी खुशी की बात है। मेरे 2 बच्चे हैं और दोनों ही आर्मी में हैं, और मैं चाहता हूँ कि यदि और भी बच्चे होते हैं तो उनको भी मैं आर्मी में भेजता देश की सेवा के लिए। हमारे परिवार में और हमारे गाँव में सभी का देश की सेवा करने के लिए बहुत बड़ा जज्बा है, और हमारे परिवार से पहले से ही 15 से 20 जवान फौज के अंदर सेवाएं दे रहे हैं। हमारे दादाजी भी फौज में थे पहले, हमारे परिवार में हमारे चाचा जी, हमारे भाई छोटे बड़े 15-20 जवान अभी देश की सेवा कर रहे हैं, और हमारे बच्चों को हम यही शिक्षा देते हैं कि आप देश की सेवा के लिए अग्रसर हमेशा आगे रहे। और ज़्यादातर बच्चों का ये शौक है हमारा कि हम फौज के अंदर ही जाएंगे, दूसरा व्यवसाय करने की कम सोचते, फौज में जाने की ज़्यादा सोचते और देश की सेवा के लिए। ये हरि और हरेंद्र दोनों जुड़वा भाई है, दोनों की शुरू से ही ये मतलब उनकी लगन थी कि हमें फौज में ही जाना, चाहे कैसे भी कर ले। और उन्होंने 2-2.5 साल तक बहुत अथक मेहनत करके दोनों भाई आज फौज के अंदर सेवाएं दे रहे, और पाकिस्तान से लोहा लेते हुए आज हमारा भाई शहीद हुआ है। उसका हमें बड़ा दुख है, लेकिन उसके साथ में हमें ये गर्व भी है कि देश के लिए उसने अपनी जान दी। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।